हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का दोस्तों सिलेबस आ गया है। दोस्तों, कल भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी और ये दोस्तों मैंने आपको दिखाया था। दोस्तों, आपको मैंने सिर्फ यहीं तक बताया था और आज दोस्तों जो पूरा डिटेल में सिलेबस है दोस्तों, 14 पेजों की पूरी PDF है। इसमें दोस्तों कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है दोस्तों, ये पूरा सिलेबस है। इसकी PDF दोस्तों मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पर दोस्तों जो हमारा चैनल है शिखर स्टडी पॉइंट करके दोस्तों आपको सर्च करना है। शिखर स्टडी पॉइंट दोस्तों टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे, वहां पर दोस्तों चैनल आ जाएगा और वहां पर लगभग 24,000 अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और लोगों दोस्तों आपको दिखाई देगा शिखर स्टडी पॉइंट का। तो आप भी जुड़ सकते हैं, उस पर क्लिक कीजिएगा और तुरंत दोस्तों मैं इस PDF को वहां पर शेयर कर रहा हूँ और इसी अनुसार दोस्तों आपको अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों ये सिलेबस है और भर्ती विज्ञापन भी दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में दोस्तों, यानी कि आने वाले जो महीने हैं यानी कि नवंबर दिसंबर अक्टूबर में दोस्तों कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मान के चलिए दोस्तों दिसंबर तक, जहां तक लगता है उससे पहले तक इसका दोस्तों विज्ञापन भी जारी हो जाएगा और पेपर दोस्तों मान के चलिए कि अप्रैल के बाद दोस्तों, बाकी उसमें पता लगेगा कि पेपर कब होगा। UKPSC दोस्तों कैलेंडर जारी करेगा। बाकी आपके पास दोस्तों अब ज़्यादा सोचने का समय नहीं है, दोस्तों सिलेबस आ चुका है। और जब दोस्तों मैंने कल दोस्तों इतनी छोटी सी वीडियो बनाई थी, यहाँ तक आपको दिखाया था, क्योंकि दोस्तों कल मेरे पास होता सिर्फ इतना ही आया हुआ था। तो उसके बाद कई अभ्यर्थी कमेंट करते थे, कई लप्पू से जो लड़के हैं वो कमेंट करते थे, तो वो कह रहे थे कि तेरा कुछ काम नहीं है, ऐसी ऐसी वीडियो बनाते रहता है। दोस्तों सिलेबस यही है, आपको इसी अनुसार तैयारी करनी। बाकी मैंने आपको सबूत भी दिखाया था कि क्यों ये सिलेबस संभावित हो सकता है और संभावित दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। और दोस्तों देखिए सिलेबस तो ये है यहाँ पर, और बाकी जो RO वाले अभ्यर्थी हैं और APS वाले अभ्यर्थी हैं, दोस्तों RO का विज्ञापन जारी हो चुका है, APS का भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं SI की। इसमें दोस्तों करीब जो है 300 पोस्ट दोस्तों रहने वाली, 300 से ज्यादा दोस्तों थोड़ी रहेंगी इसमें पोस्ट, वो दोस्तों खैर विज्ञापन में ही पता लगेगा। और देखिए यहां पर पैटर्न, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों 2 घंटे का समय है, स्पीड और एक्यूरेसी दोस्तों इसमें आपको दोनों चाहिए, क्योंकि देखिए 2 घंटे का समय है, प्रश्नों की संख्या 150 है और अधिकतम अंक दोस्तों 300 है। हिंदी दोस्तों यहां पर हिंदी के 50 प्रश्न आएंगे और अधिकतम अंक 100, 50% दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन रहेगा आपका 2 नंबर का। अगर दोस्तों एक क्वेश्चन आपने सही किया तो पूरे 2 नंबर मिलेंगे, और अगर दोस्तों आपने जो है एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो दोस्तों तब आप 2.5 नंबर पीछे चले जाएंगे, यानी कि 0.1 क्वेश्चन गलत होने पर दोस्तों 0.50 आपका इतना नुकसान इसमें होगा। तो ये दोस्तों पूरा सिलेबस है, प्रश्नों की संख्या दोस्तों 50 रहेगी, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि दोस्तों ये पूरा टॉपिक है, इसके अंतर्गत आपको ये सब पढ़ना है। बाकी दोस्तों इसके लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको फॉलो करनी है और कौन कौन से चैनल से आपको पढ़ना है दोस्तों, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी दोस्तों फिलहाल हम सिलेबस को देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप जो हिंदी है ना, अगर आपने अभी तक वीडियो का एग्जाम दिया है, पटवारी का दिया है, कनिष्ठाई का एग्जाम दिया है, तो लगभग दोस्तों उससे मिलता जुलता ही है वही चीज़ें। देखिए संधि, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार है, पद विन्यास है, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति है, और जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटर दोस्तों ये भी आपने पढ़ा है, पत्र लेखन आपने पढ़ा है। दोस्तों इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली, और दिक्कत दोस्तों यहां पर होगी जब दोस्तों आप इसमें जो है कि 42-45 से कम स्कोर करेंगे, दिक्कत वहां पर होगी। दिक्कत दोस्तों यहां पर नहीं होगी, दिक्कत वहां पर होगी जब आप बहुत ही कम स्कोर करेंगे। अगर आप मैथ्स वाले हैं, रीजनिंग, जिसको मैथ आती है उसको रीजनिंग भी आती है, तब दोस्तों यहां अगर आप 35 भी स्कोर कर लेंगे हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों ये पूरा सिलेबस है, देखिए कोई दिक्कत नहीं होने दोस्तों, बिल्कुल ग्रुप सी का ही सिलेबस है। जनसंचार के विविध माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, TV, ये सब यहाँ से प्रश्न आएंगे। हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट टाइपिंग, पेज लेआउट लेआउट है, हिंदी साहित्य का सामान्य पर्चे दोस्तों 10वीं के अनुसार है। दोस्तों इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं, इससे बाहर दोस्तों बिल्कुल आपका नहीं जाएगा। इसके बाद दोस्तों रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग का भी दोस्तों सिलेबस जो है ना वो बिल्कुल ग्रुप सी का ही रीजनिंग का सिलेबस है, और यही दोस्तों पूरा सिलेबस है। देखिए जो अभी तक हम वीडियो के लिए पढ़ते आ रहे थे और पटवारी के लिए पढ़ रहे थे, कनिष्ठाई के लिए पढ़ रहे थे, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, लेकिन यहाँ दोस्तों SI का पेपर है, 2 स्टार लगेंगे कंधे पर, 4600 ग्रेड पे है, रुतबा है जॉब का, तो यहाँ पर दोस्तों ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 में से मान के चले कि रीजनिंग दोस्तों लगभग दोस्तों 15 से 17 दोस्तों बिल्कुल उतने जो है कि मुश्किल नहीं रहेंगे, आसान रहेंगे, और बाकी दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग में भी ठीक ठाक आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों रीजनिंग भी आप कर सकते हैं, बाकी जो मैथ्स वाले हैं उनके लिए तो फायदा ही फायदा है। और अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य जागरूकता की। दोस्तों अभी से भी आप शुरू करेंगे ना धीरे धीरे दोस्तों, अभी जो मैथ्स का सिलेबस है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बाकी PDF मैं शेयर कर दूंगा और आपको इसी अनुसार अपनी तैयारी करनी है। दोस्तों बुक लिस्ट पर जो है दोस्तों मैं इस पर वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा, आप जुड़े रहिए, इंतजार कीजिए कि आपको कैसे पढ़ना। बाकी दोस्तों जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे ना वीडियो पटवारी के लिए हिंदी में, इसमें वही चीज़ आपको पढ़नी है, क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए रीजनिंग अभी तक जो हमने देखा, हिंदी जो हमने देखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको दोस्तों सिर्फ जो है 70 नंबर पर काम करना है। रीजनिंग दोस्तों आपने पढ़ी हुई है, अब ये देखिए
सामान्य जागरूकता, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप कलर की तैयारी भी कर रहे हैं ना, या फिर आपने पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, या जो भी आपने कोई भी दोस्तों एग्जाम दिया उत्तराखंड में, तो ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आप सभी परिचित होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं पढ़ा होगा। वैदिक सभ्यता, उत्तरकालीन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य समाज, और इसके अलावा गुप्त साम्राज्य दोस्तों, अरबी, तुर्की आक्रमण, ये सब नाम दिया, इस्लाम की स्थापना, ये सब जो है पूरा, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, सूफी, मुगल काल, मराठा और सिख का आधुनिक काल, दोस्तों इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी प्रथम विश्व युद्ध है, राष्ट्रीय आंदोलन है दोस्तों, ये पूरा यहाँ पर सिलेबस है, जलियांवाला, ये सब आप भारत शासन अधिनियम 1919, रॉलेट एक्ट, तो ये दोस्तों पूरा यहाँ पर पूरा सिलेबस है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, विश्व का इतिहास दोस्तों यहाँ से प्रश्न बनेंगे, इसमें भी दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होनी, मुझे दोस्तों नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। भूगोल में कोई दिक्कत होगी, आप पढ़ चुके हैं, सिलेबस तो बिल्कुल ग्रुप सी लेवल, इसमें भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, बिल्कुल दोस्तों ग्रुप सी लेवल का यहाँ पर सिलेबस है। राजनीति विज्ञान दोस्तों वही बिल्कुल ग्रुप सी का सिलेबस है, डिक्टो वही सिलेबस है यहाँ पर एसआई का। दिक्कत दोस्तों आपको कहाँ पर होगी, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है, बाकी दोस्तों करंट अफेयर ये बिल्कुल वही है। उत्तराखंड दोस्तों आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों उत्तराखंड का सिलेबस भी वही है, इसमें भी आपको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में भी आपको केवल और केवल दोस्तों मेहनत यहाँ पर करनी है। ये देखिए यहाँ पर उत्तराखंड दोस्तों ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि आपने सब पढ़ी हुई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मैथ्स दोस्तों, मैथ्स से पहले दोस्तों यहाँ पर जो कंप्यूटर भी दिया हुआ है, कंप्यूटर भी दोस्तों वही है जो यहाँ पर वीडियो पटवारी में पूछा जाता है, वही दोस्तों कंप्यूटर का डिक्टो यहाँ पर सिलेबस है, बिल्कुल दोस्तों वही सिलेबस है। आपको दोस्तों केवल और केवल फोकस करना है इस 70 नंबर पर, केवल दोस्तों 70 नंबर अलग है, बाकी दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता, इस पर दोस्तों आपको काम करना है। और 70 दोस्तों यानी कि 35 क्वेश्चन आएंगे कम से कम दोस्तों। अभी देखिए आज दोस्तों कितनी तारीख है, आज 20 सितंबर है, और अभी से दोस्तों आप लग जाएंगे ना, देखिए जब तक विज्ञापन जारी होगा ना, तो मेरी माने दोस्तों अभी से आप थोड़ा बहुत दोस्तों पढ़ेंगे ना, कम से कम दोस्तों अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है, बाकी जो है उनको तो फायदा मिलेगा, उनको काम करने की जरूरत है हिंदी पर, अगर हिंदी उनकी अच्छी नहीं है तो जो मैथ्स वाले हैं वो आप लोग हिंदी पर काम करिएगा, और जो बाकी मैथ्स वाले नहीं है आपको जो है इस पर दोस्तों देखिए ये छोटे छोटे टॉपिक दोस्तों यहाँ पर दिए हुए हैं। आप दोस्तों हाई स्कूल तक तो आपने पढ़ाई होगा जरूर से कि आपको औसत निकालना, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ है, आयु संबंधी प्रश्न है दोस्तों, ये समय दूरी, ये रीजनिंग में भी आता है, ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों यही आ रहा है ना, ब्याज है, नाव धारा है, ऊंचाई दूरी, समय कार्य दोस्तों ये है, चतुर्भुज दोस्तों ये कुछ चीज़ आप छोड़ भी देंगे कुछ टॉपिक को तो यहाँ पर चल जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों अपने अनुसार करना है, क्योंकि अभी से दोस्तों आप लग जाएंगे ना, निश्चित मान के चलेगी दोस्तों आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए आयतन, घन घना, बेलन गोला, अब दोस्तों क्योंकि आपको फायदा दोस्तों यहां मिलेगा ना, देखिए ये पूरा जो ऊपर का सिलेबस है ये आपने पढ़ा हुआ है और आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जिनका भी कुछ नंबर से रुक रहा था, 4 नंबर से 5 नंबर से 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से, तो दोस्तों बिल्कुल निराश मत होइए और आगे देखिए दोस्तों ये जॉब आपके लिए ही है, इस पर दोस्तों अभी से काम करना शुरू कर दीजिए दोस्तों, इन टॉपिक पर दोस्तों खूब प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। यूट्यूब पर हजारों चैनल हैं एसएससी के जो अन्य चैनल हैं, तो वहां से दोस्तों आप शुरू कर सकते हैं। बाकी आप कोचिंग जा रहे हैं अच्छी बात है, बाकी बुक लिस्ट दोस्तों मैं आपको बहुत जल्दी इस पर बताने वाला हूं, बाकी देखिए कोई दिक्कत दोस्तों आपको इसमें नहीं होगी दोस्तों, ये सिलेबस तो ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं दोस्तों, खुद पर विश्वास कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। बुक लिस्ट पर दोस्तों मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। बाकी विज्ञापन दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि दिसंबर से पहले तक दोस्तों, नवंबर दिसंबर में जहां तक मुझे लगता है दोस्तों इसका विज्ञापन जो आयोग को जारी कर देना चाहिए, बाकी जब भी आएगा देखा जाएगा। आपको दोस्तों जितना अगर अब क्योंकि विज्ञापन आ जाएगा सीधे पेपर होना है, ये नहीं कि दोस्तों विज्ञापन आने के बाद दोस्तों हो सकता है कि 3-4 महीने के भीतर पेपर हो जाए, बाकी देखने वाली बात होगी। अप्रैल तक दोस्तों वैसे यूकेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है परीक्षाओं का, बाकी सिलेबस दोस्तों ये रहने वाला है। मैं दोस्तों आएगी 4600 दोस्तों ग्रेड पे है, शुरुआत में दोस्तों 70,000 सैलरी दोस्तों, कंधे पर दो सितारे होंगे, बिल्कुल चमक होगी, धमक होगी, रुतबा होगा जॉब का, और इसलिए दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपको ये पढ़ना होगा। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों यहाँ पर इस सिलेबस में दोस्तों आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो वही है, आयोग ने यहाँ पर मुझे जो लगता है कि सभी अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर ये सिलेबस बनाया है। क्योंकि देखिए दोस्तों ये जो सिलेबस है ना, बिल्कुल पटवारी का, वीडियो का, कनिष्ठ साइक का, फॉरेस्ट गार्ड का वही सिलेबस है, केवल दोस्तों 70 नंबर यहाँ पर अलग हैं जो मुझे यहाँ पर लगते हैं, वो है दोस्तों मैथ्स के। और ये दोस्तों अगर आप आर ओ आर ओ प्री की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी आपको एलसीएम एचसीएफ औसत हो गया, समय दूरी, ये आयु वाले प्रश्न है, ये दोस्तों रीजनिंग में भी दोस्तों जो मैथ्स वाले होते हैं ना, ये रीजनिंग में भी प्रश्न आ जाते हैं, प्रतिशत दोस्तों लाभ हानि, तो इतने टॉपिक है दोस्तों। निश्चित रूप से दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप अभी से करेंगे ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता दरोगा बनने से, सिलेक्शन लेने से। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।